नमस्ते छात्रों, हिंदी लोक भारती नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भाषा बिंदु का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, दसवीं में भी आपको ये काम आ सकता है। तो देखेंगे क्या है इसमें। हमें देखना है कि सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा और विशेषण, जो कि इंग्लिश में सर्वनाम को हम प्रोनाउन बोलते हैं, बराबर है। क्रिया जो कि वर्ब्स, संज्ञा यानी नाउन और विशेषण यानी एडजेक्टिव। अब आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव, इन सब के बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो हिंदी में क्या कैसे पहचानते हैं वो देखेंगे। कि देखेंगे एक सेंटेंस से, निम्न वाक्य में से सर्वनाम एवं क्रियाएं छांटकर भेदों सहित लिखित तथा पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए अन्य वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे एक वाक्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीच व्रत नहीं तो छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्य से करवाता भी हूँ। देखो अब इनमें से हमें सर्वनाम छांटने हैं। सर्वनाम यानी क्या, जो नाम बार बार आ रहा है उसका रिपीटेशन बंद करने के लिए हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। तो इनमें क्या है, मैं, नीज और अपना, ये सर्वनाम है यानी नाम के बदले इनको लिया गया है। ये आत्मवाचक है, मैं, नीज और अपना, ये सारे सर्वनाम है, नाम के बदले में इनका उपयोग यहाँ पे हो चुका है। एंड अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्रिया। क्रिया आप सबको मालूम है वर्ब। अब किसी भी क्रिया के बगैर वाक्य पूरा नहीं होता, बराबर है। द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब। सो क्रिया, कौन से भी वाक्य में क्रिया का होना जरूरी होता है, बिना क्रिया कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे राम, आम, इतना अगर वाक्य लिखा तो पूरा होगा क्या, नहीं। राम आम खाता है, खाता बोला क्या है, ये क्रिया है। तो ठीक, इसमें जो क्रिया है वो मैंने चार्ट कर पहले ही लिख के रखी है। फिर देखो कौन सी ये क्रिया है, जाए यानी जाना, छोड़ता, करता, करवाता, ये सारी क्रिया है, इन वाक्यों में आई वाली ये क्रिया है। अगर ये क्रिया ही नहीं रहते तो वाक्य का अर्थ हमें पता नहीं चलता, वाक्य पूरा नहीं होता, वाक्य इनकम्प्लीट रहता। नीचे चीज वैसे ही दिया है। अब संज्ञा और विशेषण के बारे में हमें जानकारी देखनी है। निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखित तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। देखेंगे यहाँ पे वाक्य है दो, मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। अब देखो इनमें से हमें संज्ञा यानी नाम कौन कौन से है, नाउन कौन से है, वो हमें फाइंड आउट करने है। तो मोहन एक नाम है, बेर, आम, अंगूर, पानी, ये क्या है, सारे नाम है, बराबर है। तो ये नाम छाट कर हमने संज्ञा जिसे कहते हैं वो हमने अलग लिखे है। अब विशेषण देखेंगे, एडजेक्टिव, कोई भी वर्ब के बारे में या फिर नाउन के बारे में अगर कोई शब्द अधिक जानकारी देता है, तो संज्ञा के बारे में या फिर क्रिया के बारे में अगर कोई शब्द अधिक जानकारी देता है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो देखेंगे रसीले, अब इनमें मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, आम है पर कैसे है, आम संज्ञा है, रसीले है, तो रसीले क्या हुआ, विशेषण, एडजेक्टिव। थोड़े से बेर, बेर कितने बेर, थोड़े, तो थोड़े क्या हुआ, वो भी विशेषण हुआ। कुछ अंगूर, अंगूर है पर कितने हैं, कुछ है, ठीक है, तो कुछ क्या हुआ, ये भी विशेषण हुआ। साफ पानी, पानी कैसा है, गंदा है या साफ है, साफ, तो साफ पानी के बारे में साफ ये शब्द क्या करता है, अधिक जानकारी दे रहा है, तो वो विशेषण है। धोकर रखवा दिए, ठीक है, तो रसीले, कुछ, साफ, थोड़ी, ये सारी क्या है, विशेषण है, जो कि संज्ञा के बारे में क्या देते हैं, हमें अधिक जानकारी देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाषा बिंदु का ये टॉपिक है, आप इसको आपकी वर्कबुक में, नोटबुक में कंप्लीट करो, ठीक है, धन्यवाद।